हेलो फ्रेंड्स, राघव ब्रजेश कुटुंब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको अपने घर पे उगाए गए पौधों के बारे में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मिर्चा का पेड़ है और इसके पहले जामुन का पेड़ था। हाँ, ये देखिए मिर्चा का पेड़, इसमें फल और फूल लगे हुए हैं। ये देखिए, इसमें शक्करकंद की बेल भी है। और ये दूसरा पौधा है मिर्चा का, जो इसमें शक्करकंद की बेल भी है और ये देखिए फैली हुई है। ये मिर्चा देखिए लगे हुए हैं। और ये जो दूसरा पौधा आपको दिखाई पड़ रहा है, लंबी लंबी डाले हैं, ये पाइल्स में, पाइल्स के रोग में काम आता है इसकी पत्तियाँ। ये देखिए, ये धीरे धीरे पौधा बड़ा हो रहा है। ये तो शक्करकंद की बेल ही है, देखिए फैली हुई है। इसमें बहुत सारे पौधे हैं जो बाद में दूसरे गमले में लगाने हैं। हाँ, इसमें बैंगन का पेड़ भी है, बैंगन का पौधा भी है इसमें जो बीच में लगा हुआ है। ये पारिजात का पौधा है, इसकी छाल और फूल बहुत ही उपयोगी होते हैं, इसकी पत्तियां भी उपयोगी होती हैं। ये मालती पौधा है जिसमें गुच्छा गुच्छा फूल आते हैं। और ये उसी में, उसी पॉट में जो है कद्दू का पेड़ भी लगा हुआ है, जिसमें देखिए कद्दू और भी लगा हुआ है। ये जो है गिरोय है, जो जिसे गुड्स भी कहते हैं, और ये भी बेल फैली हुई है। ये मालती भी साथ में उसी है, इसकी भी बेल फैल रही है। ये देखिए, ये गुड्स के पत्तियां हैं। ये लोबिया के पौधे हैं जो एक, ये लोबिया के पौधे हैं जो एक दो बार फल दे चुके हैं और दोबारा तिबारा पानी बरस गया तो जो है इसके फल, वो फूल जो है ख़राब हो गए। अब फिर से लगेंगे पौधे। ये देखिए, ये बीच में भूमि आंवला का पौधा है जो पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, इसमें लोबिया एक दो लगी हुई हैं। ये सारे पौधे लोबिया के हैं। ये खीरा का पौधा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, ये मित्रों जो है, ये अभी आपने देखा, ये पतावर की तरह, ये जो है देसी चाय है। ये चाय में डालकर इस पत्ती, इसकी पत्तियों को जो है सुगंधित पौधा होता है, इसकी पत्तियाँ सुगंधित होती हैं। ये देखेंगे गिलोय फैली हुई है ऊपर बेल उसकी, ये वही चाय का पौधा। और ये इसमें देखिए करेला का भी एक पौधा है जिसमें करेला लगे हुए हैं। ये देखिए, ये बड़ा करेला है, तीन चार करेले लगे हुए हैं। इसमें कुछ गर्मी का भी प्रभाव रहा जिससे कि करेले, इसकी बेल को फैलने में काफ़ी टाइम लग गया और इसकी बेल पत्तियाँ पीली हैं। हो सकता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। ये नींबू का पौधा है, देखिए इसमें नींबू लगे हुए हैं। हाँ, ये देखिए, और ये एक छोटा नींबू, ये देखिए अंदर एक, ये बड़ा नींबू, इसमें ये देखिए इधर कुछ कलियां बनी हैं नींबू की, जो धीरे धीरे नींबू के रूप में परिवर्तित होंगी। ये देखिए, ये तुलसी का पौधा है, इसको किसी दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करना है। ये नींबू का ही पौधा है, देखिए अंदर नींबू कुछ दिखाई पड़, ये अंदर की तरफ ये नींबू, और ये देखिए एक नींबू लगा हुआ है जो पकने के लगा है, हल्का पीला पड़ने लगा है। ये देखिए खीरा का पौधा है, ये कुछ गर्मी की वजह से
ये जो है पत्तियाँ पीली पड़ गई। और इसमें देखिए 9 o'clock के तीन टाइप के पौधे हैं हमारे पास। ये गुलाबी और सफ़ेद कलर है इसमें। ये देखिए ये येलो कलर का 9 o'clock है और ये रेड कलर का 9 o'clock। तो ये पौधा आपको देखने में एक ही तरह का लगेगा, लेकिन इसमें जो फूल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक कुदरत का करिश्मा है। और ये देखिए ये खीरे का पौधा, ये अंदर मनी प्लांट भी उसमें लगा हुआ है। ये मिर्ची के पौधे हैं, इनमें फल और फूल दोनों लगे हुए हैं। ये फूल हैं जो बाद में मिर्ची का रूप लेंगे। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये अजवाइन का पौधा है ये, और इसमें इसकी पत्तियाँ छूने से आपका हाथ भी जो सुगंध है वो अजवाइन की तरह महकने लगेंगे, अजवाइन की तरह। ये देखिए कनेल का पौधा है, इसमें फूल लगे हुए हैं, पीले कनेल का फूल है और इसमें सुगंध भी होती है। कनेल तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसमें पीला ही उपलब्ध है। हाँ ये देखिए, उसके बाद फिर आपको हम अगले चलते हैं। ये पुदीना का पौधा है, चटनी और बहुत ढेर सारी जो है। ये खीरे का पौधा है, ये पौधा स्वस्थ है, लेकिन दूसरा ये भूमि आंवला है। ये 9 o'clock का एक और पौधा, और ये छुई मुई का पौधा है। ये जो है छूने से ही ये मुरझा जाता है, देखिए ये मुरझा गई पत्तियाँ, ये दूसरी पत्ती मुरझा गई छूने से। ये जो है कड़ी पत्ती है और ये दूसरा पौधा नीचे लगा हुआ है, ये भूमि आंवला। ये कड़ी पत्ती जो सब्जी में छौंकने काम आती है, और ये टमाटर का पेड़ है जो थोड़ा अस्वस्थ है। ये देखिए 9 o'clock का येलो कलर का पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, बेला के गमले में फूल दे रहा है। ये बेला का पौधा है, इसमें कलियाँ बन रही हैं, कुछ दिनों में इसमें फूल लगेंगे, वो देखिए कली। और इसमें एक बटरफ्लाई अस्वस्थ है, देखिए कुछ जान आ गई है इसके, इसको रख दिया है पौधे पर। ये आगे चलते हैं, ये गुड़हल का पेड़ है, इसमें सफ़ेद गुड़हल के फूल आते हैं। ये शमी का पौधा है, ये इसकी लकड़ी और पत्ती जो है पूजा काम आती है। ये देखिए ये आंवला का पेड़ है, बहुत ही स्वस्थ है, लेकिन इसका गमला जो है छोटा होने के कारण ये बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन पानी कम हो जाता है तो बड़ी जल्दी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। ये मनमोहनी है, इसमें फूल सफ़ेद फूल आते हैं और सुगंधित होते हैं, बहुत अच्छा पौधा है। ये देखिए चाय का पौधा एक और है, ये अंदर रखा हुआ है, ग्रीन टी जिसे कहते हैं। ये इलायची का पौधा है और ये इसकी पत्तियाँ खुशबूदार होती हैं। मित्रों, मेरा चैनल राघव चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भेजें और बेल आइकन दबाएं। आपको धन्यवाद।